अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान सवाल है। इन्होंने आपसे इतना सा पूछा हुआ है कि एक पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके ऊपर तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, इट इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेज शोन बाय दीज वेक्टर्स। तो एक वेक्टर ये है पी क्यू वेक्टर, एक है क्यू आर वेक्टर और एक है आर पी वेक्टर। अगर आपने थोड़ा सा भी वेक्टर्स पे ध्यान दिया होगा, शुरू में पढ़ा होगा, तो आपको ये बात याद होगी कि अगर तीन वेक्टर्स एक क्लोज डायग्राम, एक क्लोज पॉलीगन बनाते हैं, इस बात का मतलब ये है कि उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन फोर्सेज एक्ट कर रही थी, जो 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 उन्होंने बताया कि इस तरीके से एक्ट कर रही है, इसका मतलब जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकता हूँ, कि वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि एक इन्होंने कहा है कि आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, बेसिकली आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, एटम हाइड्रोजन के एटम में होता क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। आयोनाइज कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बचा क्या, बस एक प्रोटॉन ही तो बचा। तो एक तो है प्रोटॉन और दूसरा है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं, मतलब उसमें होता वो होता है बेसिकली 4He2। ठीक है, तो अगर मैं इसके मासेस की बात करूं तो इसका जो मास, इसका अगर मास m है तो इसका मास होता है 4m, और प्रोटॉन का चार्ज अगर e है तो इसका चार्ज होता है 2e। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ऐसे एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, ये दोनों सेम मोमेंटा के साथ चल रहे थे। अगर ये दोनों सेम मोमेंटा के साथ चल रहे थे, इस बात का मतलब ये हो गया कि m into वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया इसका मोमेंटम, और इसका मोमेंटम हो गया m into वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, सॉरी 4m into वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे आपने ये लिखा, m से m कटा और मुझे यहाँ पे पता चला v प्रोटॉन अपॉन v अल्फा आ गया है 4, मतलब प्रोटॉन की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, चार गुना है अल्फा की, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी के कंपैरिजन में। फिर क्या हुआ कि ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में घुस गए परपेंडिकुलरली। तो अगर एक, अगर मान लो एक ये वाला रीजन है और इस रीजन में इस जगह पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर यहां से यहां पे पार्टिकल अंदर घुसता है, तो अगर इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, और अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगती है तो ये ऐसे करके घूमता है। ठीक है, तो अब जो रेडियस होता है वो रेडियस गिवन होता है एम वी बाय क्यू बी से। ये चीज आपको क्लासेस में कई बार बताई गई है, कई बार यूज भी की गई है। तो इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो मैंने अपने एग्जांपल्स में ले रखा है, लेकिन अब हालांकि उसमें बस एक फर्क था, इसमें इन्होंने मोमेंटम इक्वेट कर रखा है, मैंने काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करके बताया था, पर ये क्लास में मेरे कोर्स के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन है ये। तो खैर, रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी, मास, अब मुझे रेडियस, दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आर प्रोटॉन अपॉन आर अल्फा पार्टिकल, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जाएगी m प्रोटॉन इंटू वी प्रोटॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन इंटू बी, बी सेम है, डिवाइडेड बाय m अल्फा पार्टिकल, v अल्फा पार्टिकल अपॉन q अल्फा पार्टिकल एंड b। तो अगर मैं यहाँ सारी वैल्यूज डालता हूँ तो क्या आएगा, एम पी की वैल्यू कितनी आएगी, एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन इज, मास ऑफ प्रोटॉन इज m, वी पी जो है उसको मैं 4 टाइम्स v अल्फा लिख दूँ, तो वो हो गया 4 v अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज e और b, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या क्या आएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m, और वी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, वी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वी अल्फा को मैं वी अल्फा ही लिख देता हूँ यहाँ पर, डिवाइडेड बाय चार्ज हो जाएगा उसका 2e और मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बी से बी कटा, ई से ई कटा, एम से एम कटा, वी अल्फा से वी अल्फा कटा, इनफैक्ट 4 से 4 भी कट गया, मज़ा ही आ गया। तो इसका मतलब आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया 2:1, तो रेशियो जो होगा वो होगा 2:1, इसलिए आंसर है 3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिजन का। इसके अंदर क्या है कि एक बॉडी है, इन्होंने बताया एक बॉडी ए है और उसका जो मास है वो है 4m, और एक बॉडी बी है उसका मास है 2m। बॉडी ए जा रही थी विद अ वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है, u वेलोसिटी से बॉडी ए जा रही थी, बॉडी बी रेस्ट पर थी, इसका मास 2m था।
नाउ द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक। एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कोलिजन जो है वो हेड ऑन भी है और इलास्टिक भी है। तो ठीक है, सीधा जाके टकराया और कोलिजन इलास्टिक था, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं E की वैल्यू है 1। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जब जब कोलिजन हो गया तो कोलिजन होने के बाद ये जो 4m था, 4m की वेलोसिटी लेट से बाद में रह गई v1 और 2m की वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, जैसे ही ये लिखा गया अब इसके बाद क्या होगा, ये 4m इंटू, अब यहाँ पे पहली बात तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ उस केस में, लिखा जाएगा 4m इंटू यू, ये तो इनिशियल मोमेंटम होगा क्योंकि ये तो रेस्ट पर था, इसी का मोमेंटम आ गया, इक्वल टू फाइनली लिखा जाएगा 4m v1 प्लस 2m v2। ठीक है, दूसरी अच्छा इसी को थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लें, तो ये 2 से कटा, ये 2 रह गया और ये भी 2 रह गया, तो यहाँ पे रह गया 2, अच्छा इनफैक्ट सारे m भी कट गए, तो 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। एक एक्सप्रेशन तो ये आया, दूसरा एक्सप्रेशन आएगा E वाली इक्वेशन का यानी न्यूटन्स ऑफ कोलिजन का, तो वो क्या कहता है, माइनस ई इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। ठीक है, तो v2 माइनस जो ठुका उसकी फाइनल वेलोसिटी वो v2 हो गई, e तो 1 है ही सही, तो v2 माइनस जिसने ठुका उसकी फाइनल वेलोसिटी वो v1 है, जो ठुका उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और जिसने ठुका उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो u थी। ठीक है, तो जैसे आपने ये लिखा यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आया, वो है v2 माइनस v1 की जो वैल्यू आई है वो आई है u। ठीक है, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू u आ गई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, एक काम करते हैं, v2 माइनस v1 आया ना, तो मुझे यहाँ से बेसिकली v1 चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी इज, ए का जो लॉस इन कोलिजन है, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ड्यूरिंग द कोलिजन, वो अपने को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, v2 माइनस v1 की वैल्यू u आ गई। अब एक काम करते हैं, मुझे बेसिकली इसकी फाइनल वेलोसिटी तो चाहिए, मतलब मुझे चाहिए v1, तो v1 निकालने के लिए एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसे आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे लग गया एक माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, जब ऐड किया तो यहाँ ये मतलब उल्टा करके ऐड कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये चीज़ आ गई, यू इज इक्वल टू ये कितना आ गया, ये v2 से तो v2 कट गया, देखो ये v2 कट गए और यहाँ पे रह गया कितना, ये रह गया आपका 3v1, तो v1 की वैल्यू आ गई u बाय 3। तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी 1/3 रह गई है। अब सीधी सी बात है, किसी भी बॉडी की अगर कोई भी बॉडी है, जैसे अगर फर्स्ट बॉडी काइनेटिक एनर्जी है तो वो होती है हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होती। अगर अब मास तो उतना ही है जितना है उसके पास बॉडी के पास, अगर वेलोसिटी 1/3 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/9, और अगर काइनेटिक एनर्जी अपने 1/9 हो गई, इस बात का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी 1/9 होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ 4m इंटू यू बाय 3 होल स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर, ये हुआ चेंज। ठीक है, उन्होंने फ्रैक्शनल ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट पूछा है, तो ये तो आई एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ये 4m सब जगह से कट गए, हाफ भी कट गए, इनफैक्ट यू स्क्वायर भी कट गया, तो बचा क्या, 1 माइनस 1/9 अपॉन 1, वो आ जाता है 8/9, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8/9, तो इसलिए आंसर है 4।